वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप लवर सेजल। इतने सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि आप कब फूड चैलेंज करोगे, कब आप नेक्स्ट लाने वाले हो, कलर फूड चैलेंज, ये वो पता नहीं क्या क्या। सो आई वाज लाइक ओके, अब मुझे करना ही होगा बिकॉज सो मेनी कमेंट्स गाइस लिटरली। सो गाइस आज मैं करने वाली हूँ फूड चैलेंज, और आज का चैलेंज है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गाइस, बिकॉज मैंने ऐसा कुछ कभी ट्राई ही नहीं किया है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सो ज्यादा सस्पेंस नहीं करते हैं, वैसे आप सबको ऑलरेडी पता है। सो आज मैं करने वाली हूँ आई ईट ओनली इंस्टेंट फूड फॉर 24 आवर्स। यस गाइस यू हर्ड इट राइट, मैं 24 आवर्स के लिए सिर्फ इंस्टेंट फूड खाने वाली हूँ। अब काफी लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि इंस्टेंट फूड क्या होता है, सो मैं एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो बेसिकली आज मैं जो भी फूड खाऊंगी वो ऑलमोस्ट रेडीमेड होगा, सिर्फ 3 या 5 मिनट के अंदर वो बनना चाहिए। सो वो इंस्टेंट फूड होता है, बिकॉज एक तो हम आलसी लोग हैं, हमें इतना टाइम देना नहीं है बनाने खाने के लिए। सो 24 आवर्स के लिए हम ऐसा फूड खाने वाले हैं जो क्विकली बन जाए और हम अपना पेट भर सकते हैं। सो बेसिकली मैंने कभी भी इंस्टेंट फूड ट्राई ही नहीं किया है। सो मैं एक दिन पहले ऑब्वियसली शॉपिंग के लिए गई थी, एंड देन मुझे काफ़ी सारे इंस्टेंट चीज़ें दिखे कि वाओ ये तो सिर्फ 3 मिनट में, वाओ ये तो सिर्फ 5 मिनट में, और अच्छी अच्छी चीज़ें गाइज आप लोग आगे देखोगे कि क्या क्या चीज़ें मैंने लाए हैं। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। सो अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, व्हाट आर यू डूइंग। एंड ऑल्सो गाइज 150K का गिव अवे चल रहा है मेरे चैनल पर, इट्स अ ह्यूज ग्रैंड गिव अवे। सो अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो पार्टिसिपेट करो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गाइस क्योंकि मॉर्निंग टाइम है और हमें कुछ थोड़ा सा लाइट ही खाना है, तो मैं खाने वाली हूँ पोहा। सो मैंने लाया है गिट्स का पोहा, और इसमें सिर्फ हमें बॉइलिंग वाटर मिक्स करना है। चलो रीड कर लेते हैं बिकॉज मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। रेडी इन जस्ट 3 मिनट्स ऐसे दिया हुआ है, एंड इट हैज नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, नो एडेड आर्टिफिशियल कलर, नो एडेड MSG, अब पता नहीं ये क्या है। सो चलो देखते हैं इसे कैसे बनाना है, लाइक कैसे रेडी कर लेना है 3 मिनट में। एम्प्टी एंटायर कंटेंट ऑफ द पैक इनटू अ बोल, टैप द बोल वंस एंड ऐड द हॉट बॉइलिंग वाटर टिल इट जस्ट कवर द कंटेंट, अप्रॉक्सीमेटली 80 ml डालना है। देन मिक्स वेल एंड कवर द लिड फॉर 3 मिनट्स, मिक्स वेल एंड रिलिश। वाओ मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खाने के लिए, बिकॉज काफ़ी दिन हो गए मैंने पोहा नहीं खाया है। सो चलो अभी से बनाते हैं, ये मुझे 20 rupees में मिला है। सो या लेट्स, पानी भी हम यहाँ पर ही गर्म कर लेते हैं, गैस पर नहीं करेंगे, और ये क्विकली गर्म हो जाता है आई गेस सिर्फ 10-15 seconds में। That's it. और मैं इसे कवर करके 3 मिनट्स के लिए रखूंगी। क्या बैचलर्स या फिर मेरे जैसे लोग जो आलसी हैं थोड़ा सा वो खा सकते हैं। This is how my पोहा looks. थोड़ा सा मुझे गीला लग रहा है, बट गीला आई मीन ज्यादा पानी तो मैंने नहीं डाल दिया, आई डोंट नो मैंने लेवल तक ही डाला था, बट टेस्ट करके देखते कि ये कैसा बना है। आई एम सुपर एक्साइटेड, कर ले। एग्जैक्टली लाइक यू नो, लाइक दिख तो एकदम घर जैसे ही लगे। वाओ갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말 अनएक्सपेक्टेड गाइस, बहुत ही यम्मी है। खट्टा भी है, मीठा भी है, थोड़ा सा स्पाइस भी है, सॉल्टी भी है, सब है। एग्जैक्टली लाइक पोहा, खट्टा थोड़ा सा ज़्यादा है, मे बी वो उसे प्रिजर्व करने के लिए डाला होगा वो लोगों ने। सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, और अच्छी क्वांटिटी में भी है, 20 रुपये में और क्या मिलेगा, लाइक अच्छे से पेट भर जाएगा एक इंसान का। सो गाइस पोहा खाने के बाद मैंने मस्त आराम किया और अपने घर पर भी जाकर आई हूँ नीचे से। सो जितने लोग को नहीं पता तो आई हैव शिफ्टेड, सो इसलिए अभी मैं अपने ऊपर वाले घर पर। सो अभी हम क्या खाने वाले हैं, बाय द वे इट्स लंच टाइम गाइस, और हम खाने वाले हैं दिस इज गिट्स, ये भी गिट्स का ही है, वाओ गिट्स रेडी मील्स वेज बिरयानी, नो एडेड कलर्स फ्लेवर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है तो। सो गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस बिरयानी को खाने के लिए। सो चलो रीड आउट करती हूँ मैं। अब इसको बनाने के लिए 2 मेथड्स है, या तो आप लाइक स्टोव पर लाइक गैस पर बना सकते हो, या तो माइक्रोवेव। तो मैं दोनों मेथड बता देती हूँ, फटाफट बताती हूँ। सो मेथड 1 इज वॉट दे हैव रिकमेंडेड, इमर्स द अनओपन्ड पाउच इन बॉइलिंग वाटर for 3-5 minutes,
रिमूव कट ओपन स्टर एंड सर्व. Wow. Okay. Second method is empty the contents of the pack in a microwavable bowl, cover and microwave for 1-2 minutes, stir and serve. Okay. बहुत ही इजी मेथड है. मुझे 2 मिनट लगेगा डिसाइड करने के लिए मैं कौन सा मेथड चूज कर रही हूँ. सो आई सी यू सून. ये 99 rupees का मिलता है. सो अगर टेस्ट में अच्छा रहा तब तो क्या ही कहना गाइस. चलो बनाते हैं. सो गाइस आई एम बॉइलिंग वाटर और मैं इंस्टेंट रेडी मील्स वेज बिरयानी को इसमें इमर्स करने वाली हूँ. क्या कभी आपने ऐसा भी सोचा था कि ऐसा हो सकता है? लाइक मैंने तो नहीं सोचा था कि बिरयानी बन जाएगा 5 मिनट में. अनबिलीवेबल. सो चलो जल्दी बनाते हैं और जल्दी खाते क्योंकि बहुत भूख लगी है. तो गाइस 3 to 4 मिनट्स हो गए हैं. लाइक 4 मिनट्स हो गया है. सो आई एम थिंकिंग कि अब मैं इसे निकाल लेती हूँ. आई डोंट नो ये पक्का होगा कि नहीं. Oh my God, guys, it looks so delicious. और इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज्यादा अच्छा है. Wow, and can you see that smoke? गरम है. मैंने एक्चुअली बड़ा प्लेट ले लिया. आई थॉट कि ज्यादा होगा बिकॉज वो एकदम ही टाइट पैक लग रहा था. बट ओपन करने के बाद बहुत ही कम है. Like 99 रुपीस में क्वांटिटी तो कम लग रहा है. टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है. इट इज सो टेस्टी. बहुत ही अच्छा गाइस. लाइक परफेक्ट बिरयानी. जो वेज बिरयानी ना एग्जैक्टली सेम. अब जिसे नॉनवेज पसंद है आप यू नो एग्स ले सकते हो, चिकन ले सकते हो. राइस तो आपका बिरयानी रेडी है. सिर्फ आपको इसमें चिकन डालना है. Wow guys, what a biryani it was. So yummy, so delicious. मस्त मेरा पेट भर गया है. सो अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगी और छोटा सा काम है फिर वो फिनिश करके. गाड़ियाँ इतना हॉर्न क्यों मारती हैं? तो वही छोटा सा काम को मैं फिनिश करके फिर देखते हैं हम नेक्स्ट इंस्टेंट फूड में क्या खाते हैं. आई एम तो सुपर एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट वन. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है इसी के बाद. या बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है गाइस. अगर घर पर होती तो कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ कोई ना कोई आता रहता. बाय द वे आयान और हनी आए थे. सो मैं थोड़ा सा बैठी हूँ लोग के साथ. लेकिन सुपर बोर हो रहा है. मैं थोड़ा सा लेटी हुई भी थी. सो अब मैं सोच रही हूँ जाऊँ थोड़ा सा नीचे वॉकिंग वगैरह कर लूँ. इट्स करेंटली 5:45 राइट नाउ और बिरयानी भी बहुत हैवी हो गया है. एक हाथ से मास्क पहनने की निंजा टेक्निक. सो गाइज अब हो रहे हैं 7:30. सो अब इंस्टेंट फूड के लिए मेरे पास 2 options हैं. मैं आपको दिखाती हूँ. वन इज दिस. सो दिस इज सुहाना कपा उपमा एंड दिस इज मैगी मसाला कपा नूडल्स. तो मैं सोच रही हूँ क्या खाऊँ, नूडल्स खाऊँ या फिर उपमा खाऊँ. सो गिव मी 2 मिनट्स. मैं डिसाइड करके बताती हूँ कि क्या खाने वाली हूँ. गाइज मैंने 2 मिनट का टाइम तो लिया बट मैं अब तक कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि मैं क्या खाऊंगी, उपमा या फिर कप्पा नूडल्स. एक्चुअली मैं फ्रेश होने चले गई बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑयली और शाम का टाइम, सुबह से एक ही वही मेकअप मैंने रखा था तो इसलिए फ्रेश हुई हूँ. तो अभी आपको मैं फ्रेश लगती रहूँगी. सो एक बार सोच रही हूँ कि उपमा खाए हुए काफ़ी दिन हो गया है. फिर एक बार सोच रही हूँ कि मैगी तो ऑल टाइम फेवरेट होता ही है. मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पिंकी पोंकी करें. सो जो मैं खाऊंगी वो तो मैं ही खाऊंगी, जो मैं नहीं खाऊंगी वो हनी और एंजल खाएंगे. अभी फिलहाल के हनी एंजल भी आ गए हैं. सो मजा आने वाला है. सो मजा आने वाला होने वाला क्या होगा? हाँ एंजल करो. पिंकी पिंकी पोंकी बॉय सारा डॉग. तो ये नहीं ना, ये खाना है ना? नहीं एंजल वो खाना है. उपमा खाना है. अभी हम खाना एंजल मुझे पागल बना दिया. So, चलो पहले देखते हैं कि सुहाना कपा उपमा कैसे बनाना है. ये कपा के ओपन द लेड एंड रिमूव पैकेट. ओ अच्छा ये नहीं लिखते हमें तो पता ही नहीं चल रही है. What else? Fill boiling water up to line marked inside. Okay. Empty contents of packet and mix thoroughly. Close the lid and wait for 8 minutes. फिर ये तो इंस्टेंट कैसे हुआ? 8 मिनट में तो मैं उपमा बना के तैयार करूँ. When you're under stars and hunger hits, grab a cuppa, add boiling water and wait.
just 4 minutes for your yummy meal. In no time, you will be back to your starry fields. So, chalo. 1 minute. Maggie to 2 minutes mein ban jata hai aur ye kappa noodles 4 minutes. ₹50 कार्ड ओवर रखेंगे अब चलो चल मेरी आता है इसे मिक्स कर लेना है एंड हमें 8 मिनट्स के लिए इसे कवर अप कर लेना है ओह बहुत गरम 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 है। सबसे पहले मुझे मैगी टेस्ट करना है, तो चलो देखते हैं। मैगी ऐसा हो गया कि समझ नहीं आ रहा है, खावा नहीं चाहिए कि पीवा नहीं चाहिए। मुझे इसे कवर करना चाहिए था, बट उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि कवर भी करना है, और कवर भी साथ में था नहीं, तो फिर आई डोंट नो, इट्स अ फेल गाइस। सो गाइस चलो अब मैं उपमा टेस्ट करती हूँ। उपमा को तो काफी अच्छा टाइम मिल गया है रेडी होने के लिए, सो लेट्स सी। जस्ट लुक एट इट गाइस, ओ माय गॉड, वाओ। इसका मस्त उपमा था, मस्त पेट भरा। सो कुछ देर में मैं डिनर करने वाली हूँ। कल मैं जाने वाली हूँ CST गाइस, क्रॉफर्ड मार्केट। थोड़ा सा काम है, आज मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ क्योंकि एंटायर डे शूट में ही जाता है। फिर नीचे भी गई थी आई, और आज जल्दी भी उठ गई थी, प्लस रात में लेट सोई थी। यू कैन सी हॉरिबल डार्क सर्कल्स। डिनर के बाद तो मैं सिर्फ सोने वाली हूँ, और सुबह मुझे जल्दी निकलना है बिकॉज थोड़ा सा काम भी है। 9 o'clock आई गेस गाइस। मैं डिनर के लिए खाने वाली हूँ चीजी पास्ता विद ब्लैक ऑलिव्स। मैं जोर से इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हनी लोग गाना बजाए हैं। सो दिस इज फ्रॉम टाटा क्यू। ऑल यू नीड इज अ माइक्रोवेव हीट फॉर 60 seconds और अ स्टोव, प्लेस इन हॉट वाटर फॉर 3 to 5 minutes। Awesome. They also give tissue. Amazing. ये मुझे मिला है कितने में? This is also for 99 rupees. Okay guys, I'm going to microwave it for 60 seconds. So let's do it. My God, guys, can you see कितना delicious दिख रहा है ये? तो ये मेरा रात का डिनर है, and also I have changed because इसके बाद मुझे सोना है। Yummy! बस ये जो पास्ता है ना, बहुत ज़्यादा ही soft हो गया। Black olives also with the pasta. सीरियसली बहुत ही टेस्टी है गाइस। एक्चुअली मुझे कुछ सूप टाइप भी पीना था, सो मैंने सोचा मैं नॉर सूप ले लूं, बट देन फिर बोले चलो वो तो सबको ही पता है नॉर सूप तो फटाफट बन जाता है। कुछ ऐसा था मेरा इंस्टेंट फूड चैलेंज फॉर 24 आवर्स। अब सुबह उठते तो मुझे बहुत ज्यादा खाई में ही रहूंगी, मैं भागम दौड़ी में लगी रहूंगी।
तब तो इंस्टेंट भी कुछ काम नहीं आने वाला है मेरे लिए। सो मैं यहीं पर वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एंड प्लीज मोटिवेट मी टू डू मोर सच वीडियो गाइस। और अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हैं। 28th को गिव अवे एंड होने वाला है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यस गाइस, दैट्स इट अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल सो मच। बाय।